आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी को भी यह चार बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आपकी पत्नी भी जीवन भर आपका फायदा उठाएगी। आचार्य चाणक्य भारत ही नहीं दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिविद और कूटनीतिविद थे। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को समूचे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया था। नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य जी ने अपनी नीति शास्त्र में करियर, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति और स्त्री से जुड़े कई बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंध के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी उल्लेख किया है। दरअसल शादी करना हर किसी के लिए बेहद खास होता है और हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे हर तरह का प्यार दे सके और उसका ख्याल रख सके। फिर भी जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी भी किसी व्यक्ति से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं कहनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चार नीतियों के बारे में। पहला, अपमान। आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि अगर आपको किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी भी किसी से चर्चा ना करें, अपनी पत्नी को भी ना बताएं। आपकी पत्नी बेशक उस वक्त आपके पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। दूसरा, कमजोरी। चाणक्य के अनुसार आपकी जो भी कमजोरी है उसे छिपा कर रखें। अगर आपकी पत्नी उस कमजोरी के विषय में जान गई तो अपनी बात मनवाने के लिए वो आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी, ऐसे में आप स्वयं मजबूर होकर उसकी बात को मानेंगे। तीसरा, दान। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो उस दान को गुप्त रूप से करें। किए गए दान का चर्चा कभी किसी से ना करें, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य का कहना था कि आप दान को जितना गुप्त रखें उतना ही आपके लिए अच्छा है, दान के बारे में बताने से उसका महत्व कम हो जाता है। चौथा, कमाई। चाणक्य जी कहते हैं अपनी कमाई के बारे में कभी पूरी तरह से अपनी पत्नी को ना बताएं। अगर आपकी पत्नी को आपकी कमाई के विषय में पता चल गया तो वो आपकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगी, आपके धन पर अपना अधिकार जताएगी और तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगी। तो ये थे चाणक्य नीति के वो चार बातें जो अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम चाणक्य नीति के बारे में और वीडियो लेकर आएंगे।